हेलो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे वर्ल्ड कप 2024 का सेमीफाइनल पहला मुकाबला जो खेला जाएगा साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान का बीच। साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान का बीच जो मुकाबला होगा वो होगा वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला। जो वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला खेला जाएगा वो खेला जाएगा इंडियन समय अनुसार 6 बजे एम में जो मुकाबला होगा वो कब और कहां होगा, पिच रिपोर्ट क्या रहने वाला है, क्या बैटिंग पिच है या बॉलिंग पिच या बैलेंस पिच। अगर बैटिंग पिच है तो कौन सा बैट्समैन चलेगा और कौन सा बैट्समैन फ्लॉप्स होगा, डर्म कार्ड यूनिक बैट्समैन के रूम में कौन रहेगा, यूनिक कैप्टन और वाइस कैप्टन के रूम में कौन रहेगा, साथ ही साथ कौन सा बैट्समैन है जो इस टीम के खिलाफ अच्छे परफॉर्म कर सकता है, कौन सा बैट्समैन है जो फ्लॉप हो सकता है, रिसेंट के मैच में कितने खेले हैं, हेड टू हेड मुकाबले कितने खेले हैं ये भी बताएंगे। चलिए आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए विकेट कीपर सेक्शन से बात करते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ विकेट कीपर सेक्शन में। विकेट कीपर सेक्शन में डी कॉक का जो है अच्छे फॉर्म है, 2 मुकाबले में अर्धशतक लगाए हैं, 3 में फ्लॉप हुए हैं, रिकॉर्ड ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हैं। 8 गावस्कर अभी काफ़ी फॉर्म में हैं, इस रिसेंट के फॉर्म भी अच्छे हैं और ये ग्राउंड पर खेले नहीं है लेकिन रिसेंट के फॉर्म के अनुसार देखा जाए तो ये काफ़ी लाजवाब बैट्समैन है, चाहे बैटिंग पिच हो चाहे बॉलिंग पिच अच्छे परफॉर्म करता है। अब तीसरा नंबर में हरिकेंस भी 5 नंबर में बैटिंग करने आएगा, लाजवाब बैटिंग करेगा ठीक ठाक उम्मीद लगा सकते हैं। अब इन 3 विकेटकीपर में से आप लोग किसी विकेटकीपर को ट्राई कर सकते हैं। आयन जैनम ठीक ठाक प्रदर्शन रिसेंट के फॉर्म में कर रहा है, डेवी वाला हार्टी वेस्ट इंडीज से खासे 5 नंबर में साउथ अफ्रीका का जो है बैट्समैन है 5 नंबर में आता है ठीक ठाक प्रदर्शन करेगा, हरिकेंस अपना रहेगा लेकिन रिसेंट फॉर्म खास प्रदर्शन नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर 4 बैट्समैन में से किसी भी बैट्समैन को अपनी टीम में अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में आने से पहले मैं आप लोगों को पिच रिपोर्ट बता देते हैं। पिच रिपोर्ट जो है वो है बॉलिंग पिच गुड पर बेसर है, यहाँ पर एवरेज 99 है, वैन 11 क्रिकेट एकेडमी में खेला जाएगा। अब यहाँ पर पिच रिपोर्ट जो है बॉलिंग पिच है तो कौन सा बॉलर का विकेट मिलेगा और कितने मुकाबले खेले हैं, एक रन मारकर इस टीम के खिलाफ खेले नहीं है, कभी पार्ट टाइम बॉलिंग करने का मौका मिलता है कभी नहीं, एम जॉक्सन का रिसेंट के फॉर्म में विकेट नहीं मिल रहा है, जी नवी जो है रिसेंट के मैच में 2 मुकाबले में 4 विकेट निकाले हैं, 1 विकेट रिसेंट के 1 में 3 विकेट, मोहम्मद नबी को विकेट नहीं मिल रहा है, स्पिनर है अच्छे खासे प्रदर्शन कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है एडनोकर हमेशा मैच में फ्लॉप हुआ है, आज भी मैच में फ्लॉप हुआ है, ऑटोमैगन जो है सिलेक्शन परसेंट लो है लेकिन बैट्समैन काफ़ी अच्छे हैं, अरिशन के फॉर्म तो अच्छे नहीं है, अरिशन के फॉर्म पूरी चल रहा है फिर भी रिकॉर्ड के लिए अच्छे खासे हो सकता है। अब ये जो 5 ओलंडर है 5 ओलंडर में से आप लोग किसी ओलंडर को अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं कि अच्छे खासे प्रदर्शन कर सकता है। अब मैं आप लोगों को बता देते हैं इस टीम के खिलाफ दोनों टीम एक हेड टू हेड मुकाबले 2 खेले हैं, 2 मुकाबले जो है साउथ अफ्रीका जीते हैं और अफगानिस्तान 2 मुकाबले हार कर आए हैं। अब लास्ट रिसेंट में 5 मुकाबले जीते हैं अफगानिस्तान जो है 5 मुकाबले और जो है साउथ अफ्रीका जो है 5 मुकाबले जीते हैं और यहाँ पर अफगानिस्तान 3 मुकाबले जीत कर आए हैं। जीतने का चांस 60% साउथ अफ्रीका का है, 40% जीतने का चांस अफगानिस्तान के हैं। दोनों टीम की तुलना में दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों में से कोई कमज़ोर नहीं है, अच्छे खासे प्रदर्शन कर सकता है, चाहे आप लोग हेड टू हेड लिखो डेस्पॉली मेगा टीयर। अब आते हैं बैट्समैन में। बैट्समैन में आने से पहले मैं बॉलर सेक्शन में आते हैं। पहले में इम्पोर्टेंट बॉलर के रूम में बना देते हैं, एन एडन अच्छा खासा प्रदर्शन करेगा, राशिद खान किस टाइप का प्रदर्शन कर रहा है,
एफरेंस ठीक ठाक प्रदर्शन कागज रवाना ठीक ठाक है। नाइजलुल अच्छे खासे प्रदर्शन किया है। केशव महाराज के लेकर तो अच्छे रिकॉर्ड है। बॉलिंग है टी स्वामी ठीक ठाक प्रदर्शन कर सकता है। ऑलराउंड अच्छा खासा है। अभी नूर आमिर का नाम शामिल है। स्पिनर है अच्छे खासे विकेट मिल सकता है। और यहाँ पर देखिए जो है ग्राउंड पर पेसर को पर पेसर को है। अब यहाँ पर इन आठ बॉलर में से आप लोग किसी बॉलर को अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। आपको कोई भी बॉलर अच्छे खासे परफॉर्म कर सकता है ये, और अच्छे खासे परफॉर्म के साथ साथ अच्छे खासे रन और स्कोर दे सकता है। चलिए मैंने विकेट कीपर सेक्टर में बॉलिंग पीछे है तो अर्धगावस्कर बॉलिंग पिच पर अच्छा खासा बैटिंग करता है। गुरुवाज को मैं लूँगा और यहाँ पर डीकॉक क्वीन डीकॉक को मैं अपनी टीम में शामिल करूँगा। दोनों करेक्शन के फॉर्म काफ़ी अच्छे हैं। इन दोनों को लेने के बाद देखिए अब आ जाते हैं बैट्समैन में। आयरन जादर को लूँगा। हरिकेन्स खास प्रदर्शन नहीं करेगा। यूनिक के रूप में मैं अभी फ़िलहाल के लिए ले सकता हूँ। बॉलिंग पिचर कभी भी लंबे स्कोर हो सकता है। अब आते हैं यहाँ पर विकेट कीपर सेक्शन में। जिन अभी को मैं अपनी टीम में पिक करूँगा क्योंकि ये पार्ट टाइम बॉलिंग करता है तो हमेशा विकेट निकाल के जाता है। जिन अभी को लेने के बाद देखिए एडम मार्कर एम जॉक्सन को लूँगा। या उसे जिन अभी को लेने के बाद एम जॉक्सन को नहीं लेना चाहते हैं तो ऑटोमाइजन को लीजिएगा। लेकिन बॉलिंग कम है बैट्समैन करने का चांस मिलेगा। अभी खास पॉइंट तो नहीं दे रहा है और हमेशा फ्लॉप तो होते जा रहा है। रिसेंट के मैच अच्छे नहीं है लेकिन बैट्समैन बॉलर है इसलिए मैं अभी ऑटोमाइजन को लगा हूँ। और यहाँ पर देखिए एम जॉक्सन को चार ऑल अंडर को लिया हूँ। अब बॉलर सेकेंड में चार ऑल अंडर को नहीं लूँगा। चार ऑल अंडर में से तीन ऑल अंडर को लिया हूँ। अब आते हैं बॉलर सेक्शन में। सबसे पहला बॉलर राशिद कर रहेगा, एफ यूल रहेगा, नेलियू रह रहेगा। इसे लेने के बाद देखिए यहाँ पर आ जाता है इम्पोर्टेंट कागोस रबाडा। और कागोस रबाडा को मैं लिया हूँ। अरुण जीव्स का रिकॉर्ड तो अरुण जीव्स का अच्छा है फिर भी मैं कागोस रबाडा को लिया हूँ। दोनों को सेलेक्टर पर। अब देखिए ये चार बॉलर लिए हैं, चार बॉलर लिए हैं, चार बॉलर में तीन ऑल अंडर लिए हैं। तीन ऑल अंडर में से एक ऑल अंडर रन काट है और दो बैट्समैन यूनिक है, एक बैट्समैन सेफ है। अब इन सब में से देखिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के बात करते हैं क्योंकि आप भी जानते हैं जिस भी टीम से कैप्टन और वाइस कैप्टन अच्छे परफॉर्म कर गया उनका टीम अच्छे खासे रन कर जाएगा। अब यहाँ पर कैप्टन के रूम में इम्पोर्टेंट कैप्टन के रूम में अर्धगावस्कर यहाँ पर आए जाजन रहेगा। कैप्टन थोड़ा रिचेबल होगा लेकिन मैं कैप्टन उसे नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ बॉलिंग पिच है इसलिए मैं उसे कैप्टन नहीं दूंगा। वॉइस कैप्टन इसे नालू हम राशिद खान को कैप्टन दूंगा। अब मैं सेफ टीम करता हूँ। सेफ टीम करने के बाद देखिए मेरा टीम का परव्यू किस तरह से रहता है। फिलहाल के मेरा ही काफ़ी व्यू इस तरह से रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों।